ओम शांति। हम सभी कलयुग के अंत में रह रहे हैं, जहाँ चारों ओर तामसिकता ही तामसिकता है। जो कुछ यहाँ हो रहा है उससे अच्छा और भला क्या हो सकेगा। सतयुग तो नहीं है, मनुष्य देवता तो नहीं है। फिर हम सभी के साथ हमारे जन्म जन्म के विकर्मों का बोझ भी है, उसका इफेक्ट भी, उसका फल भी हमें कहीं ना कहीं मिलता रहता है, जिस कारण से कोई ऐसी वैसी समस्याएं आती रहती हैं, विकराल समस्याएं आती रहती हैं और मनुष्य की स्थिति को बिगाड़ती रहती हैं। लेकिन हमें विकराल समस्याओं को शीतल करना है, हल्का कर देना है, इसके लिए अभ्यास है। पहली चीज हम याद रखेंगे, स्वयं भी बहुत हल्के रहें। हम हल्के तो समस्याएं भी हल्की। दूसरी बात, हम स्वयं को साक्षी भाव में स्थित करें। साक्षी होने से चित शांत रहेगा। साक्षी अर्थात हमने ही बीज बोया था, हमें ही उसका फल मिल रहा है। कोई बात नहीं, जब बीज बोते हुए यानी कर्म करते हुए हमने बहुत एंजॉय किया था, तो फल पाते हुए हम भारी क्यों। साक्षी भाव। तीसरी चीज, कौन हमारा साथी है। स्वयं भगवान, उसमें निश्चय कि उसके होते हुए हमारा कुछ भी अहित नहीं होगा। स्वयं में विश्वास, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, हर समस्या को पार करने में सक्षम हूँ। तीसरा, ड्रामा में विश्वास, मेरे साथ इस ड्रामा में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए ये ड्रामा बहुत सुंदर और कल्याणकारी बना हुआ है। कभी भी ये न कहें मेरा तो ड्रामा ही खराब है या मेरा तो भाग्य ही खराब है। संकल्पों को चेंज करें तो पार्ट चेंज हो जाएगा, फीलिंग चेंज हो जाएंगी और हम इस निश्चय के आधार पर विजयी होते जाएंगे। तो आइए हम समस्याओं का डट कर सामना करें और समस्याओं को अपने मार्ग के रोड़े नहीं, हमें आगे बढ़ाने वाले, शक्तिशाली बनाने वाले समझ लें। समस्याएं तो आएंगी, परंतु ये भी याद रखना है, स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। और श्रेष्ठ स्वस्थिति का आधार है स्वमान। इसलिए यदि योग न भी लगे तो स्वमान का अभ्यास बढ़ाते चलें, इससे आंतरिक शक्तियां जागृत रहेंगी, हमारी आंतरिक महानताएं प्रकट होती रहेंगी, हमारी प्योरिटी बढ़ती रहेगी, हमारे विचारों में महानता आती रहेगी। छोटे विचार, छोटा चिंतन, जल्दी ही डिस्टर्ब हो जाना, ये सब आदतें समाप्त होती जाएंगी। तो स्वमान की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़ाते चलना है। तो आइए समस्याओं को जीवन का खेल समझें और उनका भी आनंद लें और उन्हें पार कर नए अनुभवों की खान बने। और समस्याएं तो आएंगी ही, ये मानकर अपने चित्त को शीतल करें और साथ साथ ये अनुभव बढ़ाते चलें कि बाबा के साथ से समस्याएं कैसे समाप्त होती हैं। रोज के हमारे ये अनुभव हमें बहुत काम आएंगे, दूसरों को भी काम आएंगे। और ये भी अनुभव कर लें कि हमारी स्थिति श्रेष्ठ रहने से कैसे जीवन समस्याओं से मुक्त रहता है। पहले जीवन में बहुत समस्याएं थी, अब समस्याएं नहीं हैं। इस अनुभव को भी बहुत बढ़ाते चलें। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। सारा दिन मन में गीत गाते रहना, भगवान हमारा साथी है।
डरने की कोई बात ही नहीं है, और अभ्यास करना, सब अभ्यास करेंगे, सर्वशक्तिवान मुझसे कंबाइंड है, परम धाम से उसकी किरणें निरंतर मुझ में समाती रहती हैं। ओम शांति।